News 18, India. इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा से बड़ी खबर मिल रही है। छिंदवाड़ा के मेयर का बड़ा बयान सामने आ गया है जिसमें कई दावे किए गए हैं। छिंदवाड़ा के मेयर विक्रम आहाके का बयान है कि कमलनाथ इसीलिए नाराज हैं क्योंकि कांग्रेस ने उनको राज्यसभा की सीट नहीं दी। छिंदवाड़ा से ही कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ सांसद हैं और यही को लेकर कुछ पार्टी के जो सीनियर लीडर हैं उनके तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं कि राज्यसभा का टिकट नहीं मिल रहा था इसलिए नाराजगी है, ये एक नाराजगी की वजह बताई जा रही है। 2019 की मोदी लहर में भी छिंदवाड़ा की सीट कांग्रेस के खाते में चली गई थी। छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ माना जाता है और ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा कांग्रेस के अंदर कलह की एक वजह बना है। मेरी कमलनाथ जी से बात हुई, उन्होंने कहा है कि जीतू ये मीडिया में जो इस तरह की बातें आ रही है ये सब एक एक तरह से भ्रम है और ये मैं कांग्रेस ही था हूँ और रहूँगा। जैसा मैंने कल कहा था कि वो गांधी परिवार के उनके रिश्ते इतने पुराने हैं, सर्वविदित है, वह जरूर लोकतंत्र में हार जीत दोनों होती रहती है। हर परिस्थिति में उन्होंने दृढ़ता से कांग्रेस के विचार के साथ अपना जीवन जिया है और आगे भी कांग्रेस के विचार के साथ ही अपना अंतिम सांस तक जीवन जिएंगे। ये भावना उनकी खुद की है जो मुझसे बात होकर उनने कही। ऐसे में बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या इंडी गठबंधन के दूसरे दलों के साथ साथ अब कांग्रेस में भी बीजेपी के साथ जाने की भगदड़ मचने वाली है? ये सवाल कांग्रेस पार्टी को बहुत परेशान कर रहा है, लेकिन आज पूरे देश की नजरें दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन पर भी जमी रही। दिल्ली में बीजेपी के इस बड़े मंच पर अमित शाह ने एक बहुत ही अहम बयान दिया है। इस भाषण में 2024 के चुनावी मुद्दों का पूरा ब्लूप्रिंट नजर आया। चौबीस के चुनाव की घोषणा होने के कुछ हफ्तों पहले बीजेपी ने अपने अश्वमेघ के घोड़ों को तेज रफ्तार से दौड़ा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा तक और देश के 700 से ज्यादा जिलों में मौजूद देश के 1,000,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन और पोलिंग बूथों तक, देश की गली गली में बीजेपी के करोड़ों कार्यकर्ता सुपर एक्टिव हो चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने दहाड़ कर विपक्ष को ललकारना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर बीजेपी की पूरी ब्रिगेड चुनावी मोड में उतरने को तैयार हो चुकी है। दूसरी तरफ इंडी अलायंस खेमे में गठबंधन छोड़ने की भगदड़ मची हुई है। ममता बनर्जी कांग्रेस से पहले ही अलग हो चुकी हैं सीटों के तालमेल के मसले पर, तो नीतीश कुमार बीजेपी की तरफ ही जाकर खड़े हो गए हैं। जयंत चौधरी ने एनडीए में जाने की दिशा अपनी तय कर दी है और एक तरफ इंडिया अलायंस में टूट हो रहा है तो दूसरी तरफ कांग्रेस के अंदर भी नेताओं के पार्टी छोड़ने के लिए भगदड़ मची हुई है। राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के जमाने के पुराने पुराने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीजेपी ज्वाइन करने की नई नई खबरें रोज गांधी परिवार को बेचैन कर रही है। कमलनाथ और बीजेपी के चुनाव निशान कमल के बीच की दूरी कितनी कम हो गई है ये चर्चा रोज हो रही है। बीजेपी के रणनीतिकारों ने राजनीतिक माहौल ऐसा बना दिया है जैसे मोदी 3.0 के तूफान में कांग्रेस पार्टी पुर्जा पुर्जा होकर उड़ जाएगी। कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकार फिलहाल राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा सफल बनाने में पूरी ताकत से जुटे हुए हैं, लेकिन फिर भी इन चुनाव में जीत हार का रोमांच पैदा करने में कांग्रेस असमर्थ नजर आ रही है। मोदी के महाधुरंधर सेनापति और राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह के बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में दिए गए भाषण ने विपक्ष को और भी ज्यादा चौंका दिया है। अमित शाह ने अपने करीब एक घंटे के भाषण में पूरे देश को ये बता दिया है कि अगले 100 दिन में किन मुद्दों पर देश का चुनाव होने जा रहा है। लेकिन सबसे पहले आज कमलनाथ के बीजेपी में जाने की खबर को डिकोड करेंगे। गांधी परिवार के सबसे बड़े विश्वास पात्रों में से एक माने जाने वाले कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ के साथ क्या बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं? बार बार उठ रहे इन सवालों ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बेचैन कर दिया है। दावा ये किया जा रहा है कि राज्यसभा की सीट नहीं मिलने से कमलनाथ नाराज हैं।
लेकिन जिस हिसाब से कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी दिल्ली पहुंचे हैं और जो घटना चक्र वहां पर चल रहा है, निश्चित तौर पर हमें आने वाले समय में कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिलेगा जो छिंदवाड़ा की राजनीति और प्रदेश की राजनीति की दिशा और दशा तय करेंगे। मैं हर समय अलग अलग परिस्थितियां देखने को मिली है, चाहे राज्यसभा चुनाव की बात हो, चाहे पीसीसी प्रेसिडेंट से हटाने की बात हो। निश्चित तौर पर कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी बड़े लीडर हैं और उन्होंने अगर किसी प्रकार का कोई निर्णय करने की सोचा है तो निश्चित तौर पर बहुत छिंदवाड़ा के विकास को मुद्दे को लेकर और छिंदवाड़ा की आम जनमानस की भावनाओं को ख्याल में रखते हुए, हमारे हजारों कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ख्याल में रखते हुए उन्होंने निर्णय लेने की सोचा। 24 घंटे में कमलनाथ के दो बयान सामने आ चुके हैं और इन दोनों बयानों में उन्होंने अब तक बीजेपी में शामिल होने की खबरों से इनकार नहीं किया है, बल्कि उन्होंने ये कहा है कि वो सही वक्त पर जानकारी देंगे। तो सवाल ये उठता है कि क्या कमलनाथ बीजेपी के साथ मोल भाव में लगे हुए हैं? ये आप लोग कह रहे हैं जी, आप लोग एक्साइट हो रहे हैं। मैंने कहा मैं तो एक्साइट नहीं हूँ इस तरफ या उस तरफ, पर बात ये है कि अगर ऐसी कोई बात होगी मैं आप सबको सबसे पहले खबर कर, अगर ऐसी कोई बात हुई सबसे पहले मैं आपको सूचित करूंगा। अभी तो मैं एक तेरहवीं में जा रहा हूँ। सर आगे एक बात, सर भाजपा में शामिल होने की नकुलनाथ जी की बात हो रही है, मेरी तो कहीं बात नहीं हुई। आखिर कमलनाथ अपने बीजेपी में जाने की खबरों को लेकर साफ साफ इनकार क्यों नहीं कर रहे हैं? कांग्रेस के रणनीतिकारों को ये सवाल अंदर से बहुत परेशान कर रहा है। खबर तो ये भी आ रही है कि कमलनाथ को लेकर अब कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व खुश नजर नहीं आ रहा है और वो अब कमलनाथ की मान मनौवल के मूड में भी नहीं है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने भी अब पूरी तरह से सब कुछ कमलनाथ पर ही छोड़ दिया है कि वो कांग्रेस में बने रहते हैं या फिर कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। लेकिन दिग्विजय सिंह की बेचैनी भी साफ नजर आ रही है। अपने मित्र कमलनाथ को अपने रिश्तों का हवाला देकर दिग्विजय सिंह कांग्रेस में रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हैरानी की बात है कि कमलनाथ बीजेपी में जाने की खबरों का साफ साफ खंडन नहीं कर रहे, लेकिन दिग्विजय सिंह खुलकर कमलनाथ को कांग्रेस पार्टी का वफादार बता रहे हैं। मेरी कमलनाथ जी से चर्चा हुई है, लगातार चर्चा उनसे हो रही है, हमारे कांग्रेस के नेतृत्व के भी उनसे चर्चा हो रही है और कमलनाथ जी जैसा व्यक्ति जिन्होंने की शुरुआत कांग्रेस से की और जिन्हें हम सब इंदिरा जी का तीसरा सुपुत्र मानते थे और उन्होंने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया है, कांग्रेस के स्तंभ रहे हैं, कौन सा पद उन्हें नहीं मिला, केंद्र में मंत्रिमंडल, एआईसीसी में महामंत्री, प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, सारे पद उनको मिले हैं। और मुझे नहीं लगता कि वे पार्टी छोड़ेंगे। संसद के बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा और राज्यसभा में भाषण दिया था और लोकसभा में दिए गए अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही थी कि विपक्ष के नेताओं की हालत ये है कि वो चुनाव लड़ने का हौसला भी खो चुके हैं और राज्यसभा के रास्ते से संसद में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। इसी भाषण के कुछ दिनों बाद ये खबर आई कि सोनिया गांधी अब रायबरेली से लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी बल्कि राजस्थान से राज्यसभा जाएंगी। इस खबर के बाद ये सवाल उठने लगे कि क्या रायबरेली से उनकी बेटी प्रियंका गांधी लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी। फिलहाल तो पार्टी इस मुद्दे पर चुप है, कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, लेकिन जिस तरह से सोनिया गांधी ने रायबरेली के लोगों को एक मार्मिक चिट्ठी लिखी और उसमें कहा कि जिस तरह से आप पहले हमारा साथ देते रहे उसी तरह गांधी परिवार का साथ आगे भी देते रहिए, उससे ये संभावना जरूर बलवती हो गई है कि प्रियंका गांधी रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं। कांग्रेस पार्टी 2023 में उत्तर भारत के तीन राज्यों के चुनाव हारने के बाद से ही मुश्किल में फंसी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी जिस अंदाज में विरोधियों पर प्रहार कर रहे हैं, इसका एक नमूना दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का वो बयान है जिसमें केजरीवाल खुद कहते हैं कि वो साल 2029 में बीजेपी को हराने की तैयारी कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या, इंडी अलायंस ये मान चुका है कि 2024 में मोदी को कोई रोक नहीं सकता? पहले प्रधानमंत्री मोदी का बयान सुनिए, फिर आगे आपको दिखाते हैं कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली बीजेपी ने कितनी बड़ी चुनौती दी है। ये देश को कभी भाषा के आधार पर
तो कभी क्षेत्र के आधार पर बांटने में जुटे हुए हैं। साथियों, कांग्रेस का एक सबसे बड़ा पाप ये रहा है कि वो देश की सेनाओं का मनोबल तोड़ने से भी पीछे नहीं रहे। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और सामरिक शक्ति को नुकसान पहुंचाने में कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। जब भी देश के रक्षा क्षेत्र में कोई बड़ा काम हुआ, जब हमारी सेनाओं ने कोई उपलब्धि हासिल की, कांग्रेस ने हर बार उन पर सवाल उठाए। आप सिर्फ सोचिए कि 5 साल पहले इन लोगों ने क्या कहा था। इन लोगों ने हर कोशिश की कि हमारी वायुसेना को राफेल जैसे एडवांस एयरक्राफ्ट न मिल पाए। दिल्ली से बीजेपी के सांसद प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल की चुनावी राजनीति पर तगड़ा प्रहार किया है। 2029 में मोदी को हराने का दावा करने वाले अरविंद केजरीवाल को सांसद प्रवेश वर्मा ने चुनौती दी है कि पहले अरविंद केजरीवाल दिल्ली से लोकसभा का चुनाव जीत कर दिखाएं, यानी जुबानी तीर चलना शुरू हो चुके हैं। भारत क्या दुनिया के इतिहास में हमारा नंबर 2 भी अंदर है, नंबर 3 भी अंदर है, नंबर 4 भी अंदर, अब कह रहे नंबर 1 को भी अंदर डालेंगे। तो इस तरह का आक्रमण कभी नहीं देखा गया। तो ये चर्चा चल रही है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आज पूरे देश के अंदर बीजेपी का सबसे बड़ा चैलेंजर आम आदमी पार्टी है। आज अगर बीजेपी को खतरा है, भविष्य का खतरा है, तो केवल और केवल आम आदमी पार्टी से खतरा है। इसलिए बीजेपी येन केन प्रकारेन जो मर्जी करके आम आदमी पार्टी को कुचलना चाहती है। और आज पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहता हूं, इसमें कोई अहंकार नहीं है कि 2024 के अंदर बीजेपी अगर नहीं हारी लोकसभा चुनाव, तो 2029 के अंदर आम आदमी पार्टी इस देश को बीजेपी से मुक्ति दिलाएगी। मैं अपना माननीय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अपना चैलेंज देता हूं कि वो दिल्ली में लोकसभा का चुनाव लड़कर दिखाएं, और मैं उनको चैलेंज देता हूं मेरे सामने लड़कर दिखाएं, तो ये सारा सामने आ जाएगा कि क्या है उनके आप। तो कोई उनका जो चेहरा था वो बिल्कुल बेनकाब हो चुका है, दिल्ली की जनता उनको पहचान चुकी है और वो जो है बहुत ही जल्दी जेल जाने वाले हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में जब अमित शाह ने मंच संभाला तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी को एक साथ एक लाइन मिलाकर खड़ा कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने खुद को कांग्रेस पार्टी से अलग करने के लिए बड़ी राजनीतिक तपस्या की थी, लेकिन केजरीवाल की ये तपस्या अब भंग हो चुकी है। एक कहावत है, बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां भी सुभान अल्लाह। जब कांग्रेस पार्टी इतना भ्रष्टाचार करती है तो साथी भला क्यों बाकी रहेंगे? आम आदमी पार्टी, आबकारी जकात का घोटाला, लोगों के उपचार में मोहल्ला क्लिनिक का घोटाला, ढेर सारे घोटाले किए, लोगों के मेडिकल टेस्ट करने में भी घोटाला किया, और आज उनका सारा नेतृत्व कोर्ट से भागता है, कोर्ट से भागता है, एजेंसियों से भागता है। अमित शाह ने देश के सामने बीजेपी के 2024 प्लान का ब्लूप्रिंट रखा और उनके भाषण में सबसे ज्यादा वार इंडी अलायंस के परिवारवाद पर हुआ। गांधी परिवार से लेकर ठाकरे परिवार तक अमित शाह ने परिवारवाद को निशाने पर ले लिया। अगर मुझे कोई कहे कि इंडी अलायंस क्या है, तो मैं इसकी एक ही व्याख्या करता हूं, 7 परिवारवादी पार्टियों का गठबंधन इंडी अलायंस है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जो अपनी पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं स्थापित कर सकते, वो देश की डेमोक्रेसी की रक्षा नहीं कर सकते, ये देश की जनता को है। आपकी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है, आपकी पार्टियां लोकतांत्रिक पार्टियां नहीं है, आप देश के लोकतंत्र का रक्षा नहीं कर सकते। इनके राजनीति में उद्देश्य क्या है? मोदी जी कहते हैं महान भारत की रचना हो, 2047 तक का लक्ष्य रखा, आत्मनिर्भर भारत की रचना हो, 2047 तक का लक्ष्य रखा। सोनिया जी का लक्ष्य राहुल जी को पीएम बनाना, पवार साहब का लक्ष्य बेटी को सीएम बनाना, ममता दीदी का लक्ष्य भतीजे को सीएम बनाना, स्टालिन का लक्ष्य अपने बेटे को सीएम बनाना,
लालू प्रसाद जी का लक्ष्य अपने बेटे को सीएम बनाना, उद्धव ठाकरे का लक्ष्य अपने बेटे को सीएम बनाना, और मुलायम सिंह जी बेटे को बनाकर ही गए हैं। अब मुझे एक बात बताइए कार्यकर्ता भाइयों बहनों, जिनका लक्ष्य ही अपने बेटे बेटी भतीजों का कल्याण हो, वो गरीब का कल्याण कर सकता है क्या? कभी नहीं कर सकता। जिनका लक्ष्य ही अपने परिवार के लिए सत्ता हथियाना हो, वो देश का कल्याण कर सकता है क्या? कभी नहीं कर सकता। राम मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा का मुद्दा बीजेपी व्यापक स्तर पर चुनाव प्रचार अभियान में उठाने की योजना बना रही है, और गृहमंत्री अमित शाह ने इसी मुद्दे का जिक्र अपने प्रस्ताव के भाषण में किया, और शायद यही बात कांग्रेस को सबसे ज्यादा सता रही होगी कि कहीं ये मुद्दा न चुनाव प्रचार अभियान में बड़े नेताओं द्वारा बार बार छेड़ दिया जाए। अमित शाह ने कहा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को स्वीकार नहीं करके कांग्रेस पार्टी ने भारत के महान बनने की प्रक्रिया से खुद को दूर कर लिया है। जब 550 साल के बाद इस देश में उत्सव का क्षण आया, रामलला का प्रधानमंत्री जी प्राण प्रतिष्ठा करने वाले थे, रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में न्यास ने कांग्रेसियों को भी निमंत्रण भेजा, मगर उन्होंने तुष्टिकरण की राजनीति करना तय माना, इसको ठुकरा दिया। मैं आज यहां से कांग्रेस पार्टी को चेतावनी देना चाहता हूं, आपने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकरा कर केवल ये ऐतिहासिक पल में हिस्सेदार होने से आप नहीं कतराए हैं, आपके देश के महान बनने की प्रक्रिया से अपने आप को दूर कर लिया है। देश की जनता इसको देख भी रही है और याद भी रख रही है। अमित शाह के पूरे भाषण में अमेरिका के उद्योगपति जॉर्ज सोरोस के नाम का भी जिक्र हुआ, वही जॉर्ज सोरोस जो खुले तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को हराने का संकल्प दुनिया में जाहिर कर चुका है। सोरोस का नाम लेकर अमित शाह ने बयान दिया कि मोदी को हटाने के लिए पाकिस्तान और जॉर्ज सोरोस से दरख्वास्त लगाई गई है। अभी अभी कांग्रेस के नेता ने कहा कि देश के दो टुकड़े होने चाहिए, खुलेआम देश के दो टुकड़े करने की बात करते, कांग्रेस पार्टी इस स्टेटमेंट से कन्नी भी नहीं काटती है। ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन करती। मां भारती का अपमान करने वाले जॉर्ज पुनिया का कांग्रेस के राजकुमार आशीर्वाद लेते हैं, जॉर्ज सोरेस जो भारत विरोधी है वो उनका समर्थन करता है, कोयम्बतूर बम ब्लास्ट को इंडी अलायंस इसके गुनेगारों को रिहा कर देती है, और कांग्रेस के नेता पाकिस्तान में जाकर मोदी जी को हटाने के लिए पाकिस्तान की मदद मांगते हैं, पाकिस्तान की मदद मांगते। जब धारा 370 मोदी जी ने हटाई, राहुल गांधी का 370 के समर्थन में जो बयान था वो पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन में कोट अनकोट कर दिया। शर्म करो कांग्रेसी, आपके देश के खिलाफ आप विदेश में जाकर बोलते हो, देश के प्रधानमंत्री, देश की संसद, देश के लोकतंत्र की निंदा विदेश में जाकर करते हो, और धारा 370 जैसी महत्वपूर्ण चीज को आपने पाकिस्तान को यूएन में हथियार देकर देशद्रोह का एक उदाहरण सेट किया है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा के जवाब में अमित शाह ने बीजेपी के आंदोलनों की पूरी लिस्ट देश के सामने रख दी है, और कांग्रेस से सवाल पूछा है कि आखिर वो सत्ता के लिए आंदोलन क्यों कर रही है। जो नेता है कांग्रेस पार्टी, एक भारत जोड़ो यात्रा लेकर तोड़ना, तो निवेदन तो आपके भारत तोड़ने के हैं, भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले। मैं उनको कहना चाहता हूं, किसी भी पार्टी के कार्यक्रम और यात्राएं, राजनीतिक कार्यक्रम, वो पार्टी का परिचय करा दे। कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद जितने भी आंदोलन किए सत्ता में वापिस आने के लिए की, भारतीय जनता पार्टी का 1950 से इतिहास है, हमने जब भी आंदोलन किए देश के लिए किए, सिद्धांतों के लिए किए, जनता के लिए। सबसे पहले जम्मू कश्मीर के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी शहीद हुए, हमने 370 हटाने का आंदोलन किया। गोवा बचाओ का आंदोलन भारतीय जनता पार्टी ने किया, कच्छ का सत्याग्रह
भारतीय जनता पार्टी ने किया, गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने का आंदोलन जनसंघ ने किया, आपातकाल के विरोध में हम लड़े, असम में घुसपैठियों के खिलाफ हमने पूरे देश को मोबिलाइज किया, राम जन्मभूमि का आंदोलन भी केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया। भ्रष्टाचार के खिलाफ अडवाणी जी के नेतृत्व में हमने आवाज उठाई, तेलंगाना आंदोलन भी भारतीय जनता पार्टी ने किया और सबरीमाला का आंदोलन भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। हमारी पार्टी ने कभी भी सत्ता प्राप्त करने के लिए आंदोलन नहीं किए हैं, जनता के परेशानियों के लिए किए। कुल मिलाकर अमित शाह ने बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में 2024 के चुनाव में मुद्दों की पूरी तस्वीर देश के सामने रख दी है।